मेरा नाम है शिवशंकर त्रिपाठी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया स्मॉल लीज पेपर एसोसिएशन। देश का एकमात्र विशाल संगठन है, 36 साल पुराना संगठन है। इसकी वेबसाइट बनी हुई है, अधिकांश प्रदेशों में उनके जनपदों में इसकी समितियाँ कार्यरत हैं जो वेबसाइट में। मैं लखनऊ से आया हूँ, गोखले बिहार मार्ग में मेरा रेजिडेंस है लखनऊ में, और मेरा वहाँ से दैनिक ऊर्जा टाइम्स अखबार में निकलता है। विधायक निवास से 140B दारू सफर से। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करुणा भाई, शांतन भाई की कृपा से और वहाँ के सेंटर के जो माधुरी बहन है उनकी कृपा से 20 साल पहले मुझे यहाँ आने का मीडिया में मौका मिला था, अवसर मिला था, और तब से मैं लगातार आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ बाबा का आशीर्वाद, पूजनीय दादियों का आशीर्वाद, शिव बाबा का जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें वहाँ जाने पर ये उपलब्धि होगी। आज मैं, मेरा संगठन पूरे देश में हर प्रदेश की मैं बराबर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। 2018 में 5 प्रदेशों की कॉन्फ्रेंस हुई जिसको मैंने अटेंड किया, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और यहाँ राजस्थान में सितंबर में। मुझे शुरू से आज तक यहाँ पर विशिष्ट अतिथि का अवसर प्राप्त होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नर्क से स्वर्ग में आया। जैसे हम लोग स्वर्ग में कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में ऐसे स्थान हो गए, रहने की ऐसी व्यवस्था होगी, खाने पीने की ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसी सड़कें होंगी और ऐसे भाई बहनें, व्यवहार कुशल भाई बहन होंगे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। ये विश्व का एक आडंबर रहित धर्म धार्मिक संस्थान है जहाँ सभी धर्मों का समावेश है। न यहाँ मंदिर है, न मस्जिद है, न कोई गुरुद्वारा है, न कोई गुरु है और न कोई भगवान है। यहाँ सिर्फ ये बताया जाता है कि आप उठते बैठते चलते फिरते और प्रातः काल में पारब्रह्म परमेश्वर निरंकार शिव की ध्यान करें और मेडिटेशन के योग के लिए विशेष जोर दिया जा सकता है। योग से जहाँ एक तरफ शांति दूर होती है, शांति प्राप्त होती है, अशांति दूर होती है, और उसी तरह से अच्छे विचार पैदा होते हैं और आदमी अगर योग को धारण कर ले तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज देश में जो विषमताएँ बढ़ रही हैं अपने आप विषमताएँ समाप्त हो जाएंगी। चारों तरफ लूट, भ्रष्टाचार, ये सब जो हो रहा है वो हमारे विचार इतने स्तर के, निम्न स्तर के हो गए हैं जिसके इसको दूर कर सकता है केवल योग। मैं करुणा भाई, शांतन भाई का और आत्मप्रकाश भाई का, ये सभी भाई बहनों का बहुत ही आभारी हूँ कि जिनकी वजह से मुझे हर वर्ष मैं मीडिया कॉन्फ्रेंस में आने का अवसर मिलता है। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आज हर वर्ग के लोग उत्पीड़ित हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जज हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, आज जो वो भी शांति को ढूंढ रहे हैं, उन सबको यहाँ पर आना चाहिए और आ करके यहाँ योग सीखना चाहिए और अपने जीवन को योग में सार्थक बनाना चाहिए। ओम शांति।